हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से जानने वाले हैं रेडमी नोट 11 के बारे में। इसके अंदर आपके पास अगर डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, या तो डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है, या तो आपका टच वर्क नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से फिक्स किए जाते हैं, चलिए आज इसके बारे में पता करते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन पे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके के डिस्प्ले कनेक्शन है, देख लीजिए गाइस। तो 6 ट्रैक जो है हमारी मेन डिस्प्ले लाइट के काम में आ रही है, और ये चार्जिंग आईसी से बीसीसी वोल्टेज मिल रहा है हमारी डिस्प्ले लाइट आईसी को, और इसके अंदर डिस्प्ले, ये इसके अंदर सुपर एमो डिस्प्ले लगता है। लाइट कॉइल तो रहता है, लेकिन जो डायोड वगैरह का जो सेक्शन रहता है वो नहीं रहता है। इसका काम थोड़ा अलग रहता है एमो डिस्प्ले के लाइट का। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके के कनेक्शन है एमो डिस्प्ले में। तो आपको कबर डिस्प्ले लाइट नहीं वर्क कर रहा है आपको, तो आपको ये सब चीज़ें, ये कंपोनेंट है, पूरा सेक्शन है, आपको ये चेक कर लेना है। और एक पीसीसी लाइन, ये वोल्टेज आ रही है कि नहीं चार्जिंग आईसी के थ्रू होते हुए, ये चेक कर लेना है। तो डिस्प्ले लाइट के लिए इतना ही था। अब आ जाते हैं हमारे नो ग्राफिक्स पे। नो ग्राफिक्स का गाइस ऐसे, इसमें भी ये वाली पावर से वीसीसी लाइन एक मिल रही है डिस्प्ले को, और फिर यहाँ से ये कंपोनेंट लिखे लगे हुए हैं यहाँ 5। तो इसके थ्रू होते हुए हमारा जो ट्रैकेज आ रही है पूरी सीपीयू में जा रही है, यहाँ यहाँ इसके कनेक्शन है, और ये कुछ कंपोनेंट में जा रही है, कंपोनेंट भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफिक सेक्शन, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इस तरीके के कुछ कनेक्शन है। तो अब आ जाते हैं हम टच नॉट वर्किंग पे। टच नॉट वर्किंग का ऐसा है गाइस, ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है टच नॉट वर्क का सीपीयू से। तो सीपीयू कई बार क्या होता है, हीट हो के ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से सीपीयू में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको ये वीसीसी वोल्टेज की लाइन चेक कर लेनी है, तीनों लाइन चेक कर लेनी है। तो ये तीनों में से एक भी ब्रेक हुई आपकी, तीनों चारों में लाइन में से एक भी ब्रेक हुई, पांचों लाइन में से एक भी ब्रेक हुई, तो आपको इस तरीके से काम करना है। पावर आईसी देख लेनी है, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, अगर ये शॉर्ट होगा इसकी वजह से भी काम आपका नहीं होगा, क्योंकि इसके थ्रू सीरीज में कनेक्शन आ रहे हैं हमारे टच आईसी के कनेक्टर पे। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अगर आपका टच वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपका कनेक्टर लिक्विड डैमेज है, तो सबसे पहले आप कनेक्टर चेंज करके देखिए, उसके बाद ही आप सीपीयू के तरफ जाइए। तो बस टॉपिक आज का ख़त्म होता है गाइस यहीं। अगर आपको और कोई दूसरे मॉडल पे वीडियो चाहिए, तो आप या तो फिर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन से मॉडल में मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।